आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 15 दिसंबर को थाना सदर ग्वालियर रोड इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई 57 लाख रुपए की लूट का खुलासा नहीं हो पाया है। दावा किया जा रहा है कि जल्द खुलासा हो सकता है। पुलिस ने तार से तार जोड़ लिए हैं। 15 दिसंबर मंगलवार को थाना सदर ग्वालियर रोड रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में बदमाशों ने धावा बोल दिया था। धावा बोलकर बदमाश हथियारों के दम पर 57 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए थे। बदमाशों ने जैसे ही वारदात को अंजाम दिया, पुलिस के छक्के छूट गए। पुलिस को सर्दी के मौसम में पसीना आने लगा। पसीना भाती पुलिस बदमाशों को सरगर्मी के साथ तलाश रही थी। एक एक कर पुलिस ने सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। बैंक के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। इसके अलावा शहर के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। साथ ही देहात के सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस ने खंगालना शुरू किया, लेकिन अभी तक बदमाश बेनकाब नहीं हो पाए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही बैंक लूट का पर्दाफाश हो सकता है। सूत्र से सूत्र पुलिस ने जोड़ लिया है। अब बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आना बाकी है। जिस तरीके से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था, उसने पुलिस की नींद उड़ा कर रख दी थी। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस ने कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर बदमाशों को नहीं तलाशा गया हो। माना यह जा रहा है कि बदमाश आसपास के हैं। आसपास के बदमाशों ने ही वारदात को अंजाम दिया। थाना मलपुरा, थाना सागंज और थाना सदर पुलिस के रडार पर था। सूत्र बताते हैं कि बदमाशों के गिरेवान तक पुलिस के हाथ पहुंचने वाले हैं। देखना होगा कि कब तक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश सामने आते हैं और जेल के सीकचों तक पहुंचते हैं। कौन कौन से ऐसे बदमाश हैं जिन्होंने सर्दी के मौसम में पुलिस को पसीना पसीना कर दिया। बदमाश थाना मलपुरा क्षेत्र से सटे हुए हो सकते हैं। बदमाश थाना सागंज इलाके के हो सकते हैं। बदमाश थाना सदर से सटे हुए इलाके के हो सकते हैं, लेकिन ये तो पुलिस ही बताएगी कि आखिर बदमाश कौन है और कहां के रहने वाले हैं। 15 दिसंबर दिन मंगलवार जब घड़ी की सुई 5 बजाने वाली थी, तभी हथियारों से लैस होकर 4 बदमाश आते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक में दाखिल होते हैं और 57 लाख रुपए की नकदी लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। बदमाश भाग जाते हैं, उसके बाद पुलिस की भागदौड़ पड़ जाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तार से तार बदमाशों के जोड़े जा रहे हैं। एक बदमाश से पूछताछ नहीं, सैकड़ों बदमाशों से पूछताछ पुलिस अब तक कर चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही आगरा की बड़ी वारदात का खुलासा हो सकता है। जल्दी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। जल्द ही लूटी गई नकदी पुलिस के हत्थे लग सकती है, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। पुलिस को दिन में ही तारे नजर आने लगे थे। यही वजह थी कि पुलिस की तमाम सारी टीमें कांस्टेबल से लेकर आला अधिकारी रात दिन बदमाशों की तलाश में जुटे हुए थे। एक सीसीटीवी कैमरा नहीं, हर रास्ते का पूरे आगरा के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिससे बदमाशों तक पहुंचा जा सके। अभी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन माना जा रहा है जल्द वारदात का खुलासा हो सकता है। अपने साथ देख ले दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज आगरा।